अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इश्मा वकास। आप देख रहे हैं सजावल न्यूज। सबसे पहले हेडलाइंस। शहरियों को फैलने से रोकने के लिए मास्टर प्लान बना रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि इस्लामाबाद डेढ़ गुना बढ़ चुका है, लेकिन कोई प्लानिंग ही नहीं है। तमाम शहरियों के मास्टर प्लान बना रहे हैं। इस्लामाबाद में पहले माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बाइक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि आगे का सोचने वाले ममालिक तरक्की करते हैं, हमें नई नस्ल के मुस्तकबिल के लिए आज प्लानिंग करनी होगी। वज़ीर आज़म ने कहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल की हौसला अफजाई क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का हिस्सा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत रोजगार के मौके पैदा होंगे। तमाम गैर मुल्कियों को रजिस्टर करने का फैसला किया है वजीर दाखिला। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम गैर मुल्कियों को रजिस्टर करने का फैसला किया है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि पाकिस्तान में 70 सालों के दौरान 40 से 50 हजार गैर मुल्की आए, जिनका अता पता ही नहीं है। वफाकी वजीर दाखिला का कहना था कि अब पाकिस्तान में मौजूद तमाम गैर मुल्कियों को रजिस्टर करने का फैसला किया है। नैब ने एहसन इकबाल को गिरफ्तार करके इख्तियार से तजावज किया, हाई कोर्ट का फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी और साबिक विफाकी वजीर एहसन इकबाल के नारोवाल स्पोर्ट सिटी कॉम्प्लेक्स केस में जमानत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। एहसन इकबाल की जमानत का तहरीरी फैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अधर मनुल्ला और जस्टिस लुबना सलीम परवेज ने जारी किया। फैसले में अदालत ने करार दिया है कि एहसन इकबाल के खिलाफ नैब करप्शन के सबूत पेश करने में नाकाम रहा। तस्लीम शुदा बात है, मंसूबा नारोवाल की आवाम के इस्तेमाल और फायदे के लिए शुरू किया गया। मंसूबे की मंजूरी मजाज फॉर्म CDWP ने दी। एहसन इकबाल ने प्रोजेक्ट से कोई माली फायदा नहीं उठाया। मुल्क में कोरोना से मजीद 24 अफराद इंतकाल कर गए, 1683 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 24 अफराद इंतकाल कर गए और 1683 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 50,531 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1683 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 24 अफराद इंतकाल कर गए। फीसों में इजाफे पर इस्लामिया कॉलेज पेशावर के तुलबा का एहतजाज, पुलिस का लाठी चार्ज। पेशावर में इस्लामिया कॉलेज के तुलबा ने फीसों में इजाफे पर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस्लामिया कॉलेज पेशावर के तुलबा ने फीसों पर आए जुर्मानों के खिलाफ एहतजाजन यूनिवर्सिटी रोड बंद कर दिया। सड़क खुलवाने के लिए पुलिस ने तुलबा पर लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिससे मुतअद्दिद तुलबा जख्मी हो गए। तुलबा के मुताबिक पुरअम एहतजाज जारी था कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिससे 12 तुलबा जख्मी हुए। गुजरावाला CPO सरफराज फल्की का थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाका में बेकरी मुलाजिम पर तशद्दुद के वाकये का नोटिस। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में लियाकत, आसिफ और रफाकत शामिल हैं। मरकजी मुलजिम मैनेजर सरफराज की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अबू बकर मैनेजर सरफराज की बेकरी में काम करता था। मुलजमान ने अबू बकर को बेकरी से छुट्टी करने पर पाइपों से तशद्दुद का निशाना बनाया था। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां, इलाका मकीनों की जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। DSP सर्कल ख्याली चौधरी अब्दुल हमीद विर्क, क्रिमिनल्स की बेहकनी के लिए हम तना कोशा हैं, इलाका थाना ख्याली की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। SHO सैयद कैसर अब्बास गुजरावाला, पुलिस के जवान शिद्दत की गर्मी में भी सख्त ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। DPO सर्कल ख्याली चौधरी अब्दुल हमीद विर्क ने कहा की थाना ख्याली के इलाका में अमन आमा की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए SHO थाना
दीवाना ख्याली, क्राइम फाइटर सैयद कैसर अब्बास सर तोड़ कोशिश और अंथक मेहनत कर रहे हैं। थाना ख्याली जैसे मुश्किल इलाका को कंट्रोल करना एक बहादुर नड्डर मेहती और कैसर अब्बास जैसे प्रोफेशनल ऑफिसर का ही काम है। सीसीपीओ गुजरावाला सरफराज अहमद फल्की साहब, एसपी सिटी वकार अजीम खर, डीएसपी सर्कल ख्याली चौधरी अब्दुल हमीद विल की सरपरस्ती में अपनी खिदमत दयानतदारी से सरंजाम देता रहूंगा। बिछड़ों को मिलाने की रवायत को बरकरार रखते हुए गुजरावाला पुलिस ने एक और घर की खुशियां लुटा दी। थाना दुल्ले पुलिस की अंतिक मेहनत की बदौलत पुलिस ने गुमशुदा बच्चे को महदूद वक्त में ढूंढकर वालिदैन के हवाले कर दिया। वालिदा की गुजरावाला पुलिस को दुआएं। गुजरावाला कामुकी में नौजवान के अगवा पर आए तवान की वीडियो वायरल होने का ड्रॉप सीन। साबिका बीवी ने मकान हथियाने के लिए सहेली के भाई को मूवी बनाने का ड्रामा रचाया। हकायक सामने आने पर मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कामुकी में नौजवान के अगवा पर आए तवान की वीडियो वायरल होने का ड्रॉप सीन हो गया। मूवी की बहन की सहेली ने अपनी साबिका खाविन का मकान हथियाने के लिए सहेली के भाई को मूवी बनाने का ड्रामा रचाया और मूवी के हाथ पाँव बांध कर खुद साख्ता अगवा की वीडियो बनाई गई और मुगवी के चेहरे पर खून दहाने के लिए कैचअप का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने साइंटिफिक अंदाज में तहकीकात करते हुए जाली मुगवी और उसकी बहन समेत तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी हाशम गुज्जर के मुताबिक मुलजिम रजिया अपने साबिक खावन नदीम भट्टी का मकान हथियाना चाहती थी, जिसके लिए उसने अगवा का झूठा ड्रामा रचाया और खुद साख्ता वीडियो दिखाकर नदीम भट्टी के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया गया। डीएसपी के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात की जा रही। इसमें जो अगवा हुआ था मगवी आमिर शहजाद, उसने ये ड्रामा रचाया उसकी अपनी बहन के साथ मिलके, और ये जो नदीम भट्टी है इसकी सबका बीवी रजिया के साथ, तो इन्होंने कैचअप ऊपर गिरा के उसके तो ये सीन बनाया, वीडियो एक फेक वीडियो बनाई कि जी इस पर टॉर्चर हो रहा है। तो उसमें जनाब सीपीओ सब गुजरांवाला सरफराज अहमद फल्की साहब की ज़ेर निगरानी ये टीम तश्कील दी गई और इस सारे वाक़े को टेक्निकली चेक करके और इसमें इसकी तफ्तीश की गई और अल्टीमेटली जो हकीकत है वो सामने आ गई कि ये अगवा का सिर्फ ड्रामा रचाया गया था। अच्छा, ये अगवा का ड्रामा उन्होंने क्यों रचाया था और जिन्होंने ड्रामा रचाया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? जैसे कि आपको पता है कि जिन्होंने ड्रामा रचाया उनके अगेंस्ट FIR हो गई है और इन्होंने जायदाद हथियाने के लिए अपना जो पुराना शोर था वो उसका जायदाद उसके हथियाने के लिए इन्होंने ये ड्रामा रचाया था। गुजरावाला 8 जुलाई आज़ाद कश्मीर आम इंतखाबात के शिफाफ और पुरअमन इनाकात के लिए इलेक्शन कमीशन मुतल्लिका इदारों और उम्मीदवारों की मदद से यकीनी बनाया जाएगा 22 हसास करार दिए गए। आज़ाद कश्मीर आम इंतखाबात का पुरअमन इनाकात मुल्की मफाद में है। तमाम सियासी जमातें कानून के दायरा कार में रहते हुए इलेक्शन मुहिम चलाएं, शरपसंदों को अपनी सफ़ों में घुसने और अमन को सबूताज करने की इजाज़त ना दें ताकि ज़िला में अमन की फिजा बरकरार रहे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सोहेल ख्वाजा, सीपीओ सरफराज अहमद फल्की। गुजरावाला दारुनुमान में मकीम जहनी माजूर बच्ची के वर्षा का तहाल सुराग नहीं मिल सका। जहनी तौर पर माजूर बच्ची के वर्षा की तलाश जारी है। एम होने पर दारुनुमान राबता किया जाए। रुबीना दुख्तर हफीज को सेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट गुजरावाला राना आसफ मुस्तफा की तरफ से दारुनुमान भेजा गया था। एक हफ्ता गुजरने के बावजूद उसके वर्षा ने राबता नहीं किया। सुप्रिटेंडेंट दारुनुमान ने अपील की है कि शहरी बच्ची के वर्षा की तलाश में मदद करें ताकि उसे वालिदैन के हवाले किया जा सके। वर्षा बच्ची के हवाले से इस पते पर राबता कीजिए। जी ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए सजावल न्यूज, क्योंकि हम लाते हैं हर खबर आपके लिए।